हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ए डुएक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा तो आज हमारा आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन स्पेरिकल लेंसेस आज वैसे तो अपने इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट ये चैप्टर कम्प्लीट ही कर देंगे और ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत सारे टॉपिक्स देखने हैं तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना इसमें साइन कन्वेंशन भी बताए जाएंगे इसमें लेंस फॉर्मूला भी बताया जाएगा और पावर ऑफ लेंस भी बताया जाएगा तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो सबसे पहले अगर हम इसे देखें तो हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड की है तीन में हम इसमें एक तो क्योंकि इतना कुछ लेंद नहीं था कि डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज बनाए जाए एक तो हो गया साइन कन्वेंशन फेरिकल लेंसेज के लिए सेकेंड थिंग हो गया लेंस फॉर्मूला और थर्ड थर्ड हो गया इसके अंदर जो हमें पावर ऑफ लेंस पढ़ना है और इन पे बेसिस एक एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे तो हम सबसे पहला अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल तो हम में साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं ठीक है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनाना होगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस सबके साइन कन्वेंशन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं ठीक है तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करी है और ये हमने ऑप्टिकल सेंटर सी बना लिया अब हमें क्या करना है अब जैसे हमने मिरर में देखा था बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ हमें इसमें भी साइन कन्वेंशन ध्यान में रखने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम धीरे धीरे बिल्कुल अपने लेंस में भी न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको साइन कन्वेंशन आ गए वैसे तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं ये आ, मिरर से बट अगर आपको साइन कन्वेंशन आ गए तो फिर किसी भी टाइप का अगर एग्ज़ाम किसी भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत जल्दी कर पाएंगे क्लियर है तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो साइन कन्वेंशंस हैं हम उसको यूज करते हैं डिस्टेंसेज को मेजर करने के लिए ठीक है रे डायग्राम से डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए ठीक है और इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे एक कॉन्वेक्स लेंसेज के साइन कन्वर्जन्स पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे कॉन्केव के दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है मैं अब दोनों को आपको बता दूंगी वैसे आप पहले मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्वेक्सेस से आते हैं तो आप पहले कॉन्वेक्स पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर होगा ठीक है तो अब हम मिरर और इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनमें सिमिलैरिटीज हैं क्या क्या चीजें हमें अलग देनी है ठीक है अब लाइक like यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा है क्लियर ये यह हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है ये हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट हो गया अब इसके बाद हम क्या करेंगे अब हमें देखना है कि साइन अब हमने ये बताया कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो भी मिरर हो लेंस हो हमेशा लेफ्ट साइड पे यहीं पे ही रखा जाएगा चाहे वो कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो कॉनकेव लेंस हो कॉन्वेक्स लेंस हो कुछ भी हो चाहे ठीक है और जितने भी सारे डिस्टेंसेज हैं वो हम ऑप्टिकल सेंटर सी को हमने मेन पॉइंट मान के ऑप्टिकल सेंटर सी से हम उसे मेजर करेंगे पहली बात अब दूसरी बात जिस भी डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होगी सबसे पहली बात जिस भी डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होगी या आ, क्या कहते हैं उसे हम इमेज को बताएंगे या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालेंगे सबको हमें मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर सी से क्लियर तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा अब जो भी डिस्टेंसेस अब अगर वो इस साइड तो जाएंगी ये क्या हो गई इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हो गई अब लाइट यहाँ से इंसिडेंट यहीं पर करती है ना तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हो गई तो जो भी लाइट की डायरेक्शन इंसिडेंट वाली होगी वो हमेशा कैसे लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे कैसी लेंगे पॉजिटिव चाहे वो फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम तब भी क्या होगी पॉजिटिव सेम हमने मिरर में पढ़ा था कि कोई भी अगर यहाँ हम एक बहुत अच्छा तरीका बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट तो भी, भी अगर लाइट रे लेफ्ट टू राइट जाएगी तो ऑलवेज पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव चाहे वो इधर से जा रही हो चाहे वो उधर से जा रही हो ठीक है दूसरी चीज अगर कोई भी हमें डिस्टेंस मेजर करनी हो ऑप्टिकल सेंटर से और वो अपोजिट जा रही है इंसिडेंट लाइट के ऑलवेज नेगेटिव क्या होगी ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि इंसिडेंट लाइट के जब तुम तो अगेंस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो इंसिडेंट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव में उतनी काउंट होगी क्लियर दूसरी चीज ऐसे ही इधर भी अगर हम ऐसे यहां से ऐसे तो वापस जाएंगे वापस ऐसे आएंगे तो क्या कर रहे हैं हम रिवर्स जा रहे हैं इस लाइन के रिवर्स जाएंगे तो ये भी क्या होगी ऑलवेज नेगेटिव ठीक है अब तो साइन तो पता चल गया अब यू ऑलवेज नेगेटिव होता है ये भी आपको पता है आगे आपका इमेज पर डिपेंड करती है अगर इमेज हमारी इस साइड बन रही है तो मानो यहाँ पे कहीं इमेज बनी तो वी पॉजिटिव आ जाएगा या वी नेगेटिव जो भी है वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे ठीक है अब दूसरी चीज़ अगर हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट ऑब्जेक्ट की अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल लाइन के ऊपर है अप डायरेक्शन में है तो हाइट हमेशा पॉजिटिव और अगर डाउन डायरेक्शन में है इमेज तो हाइट हमेशा नेगेटिव होगी ये बात भी आपको या ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लियर तो इसीलिए हम क्या करते हैं हमेशा जो भी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है एच वन इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है हमने यू यू को ऑलवेज नेगेटिव और एच वन ऑलवेज पॉजिटिव ये दो चीजें हमने बहुत अच्छे से इसमें बिल्कुल ये तो आपको रटना ही है मतलब रटना नहीं है तो फैक्ट है ये तो पूरा फैक्ट है कि हाँ यू भी हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि वो हमेशा उसके सामने होगा सेकेंड थिंग जो एच वन होगी मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी ठीक है और जो फोकल लेंथ है फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो भी हमेशा पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ भी क्या होगी कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होगी क्लियर है ये भी चीज़ समझ में आ गई अब उसके बाद वहीं अगर हम फोकल लेंथ कॉनकेव की देखेंगे ये तो कॉन्वेक्स चल रहा है कॉनकेव की देखेंगे तो वो नेगेटिव होती है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ उसकी फोकल लेंथ यहाँ पर होती है ठीक है इधर f डैश होता है कॉन्वेक्स में इधर f होता है तो इधर एफ तो किधर जा रही है पॉजिटिव साइड जा रही है तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगी उसमें रिवर्स होता है तो कॉनकेव में नेगेटिव होगी क्लियर अब आपको सिर्फ अगर आपको इतना भी पता है तो आपको इमेज जो भी आएगा उसका नेचर हमें उससे पता चल जाएगा ये नेगेटिव बनाती है पॉजिटिव बनाती है कॉन्क्वेक्स कैसी इमेजेस बनाती है क्लियर है तो मतलब ये है कि जो भी हमने स्पेरिकल मिरर्स में पढ़ा था बिल्कुल हु बहु वही साइन कन्वेंशन से कुछ बिल्कुल अलग से नहीं है सेम है एकदम तो एक बार हम इसे लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि जितनी भी डिस्टेंसेज हैं सबसे पहले वो क्या करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी ठीक है आगे समझ नेक्स्ट डिस्टेंस हमेशा सेम डायरेक्शन में अगर वो इंसिडेंट लाइट की सेम डायरेक्शन में तो हमेशा पॉजिटिव होगी ऑब्वियसली अगर वो इस साइड जा रही है लाइक like, अगर ये फोकस यहाँ पर है इसका तो हम इसको एफ को पॉजिटिव ही मानेंगे ना इसलिए थर्ड डिस्टेंस प्लेज अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट आर्टिकल एज नेगेटिव नेगेटिव क्यों होगी मानो इसकी इमेज आपको इधर बन रही है यहाँ कहीं बनी तो रिवर्स हुई इसकी इमेज रिवर्स हुई तो क्या होगी वो नेगेटिव हो जाएगी नेक्स्ट डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव ये बात कर रहा है यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की कि अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा हाँ अगर इमेज भी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में यहीं पर ही बन रही है अगर इमेज भी यहीं पर बन रही है तो इमेज भी पॉजिटिव ही होगी हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगी थर्ड तो अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो कैसा होगा वो वो ही negative, image, होगी नेगेटिव हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होगी क्लियर है जैसे कि इससे आप पूरे अच्छे से समझ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव अगर मतलब वी यू तो हमेशा नेगेटिव होगा ये बात तो कन्फर्म है कि यू इज ऑलवेज नेगेटिव इस केस में भी कॉन्केव में भी और कॉन्वेक्स में भी दोनों में यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा सेकेंड थिंग अगर इंसिडेंट इंसिडेंटरी इसलाइड मतलब अगर हमारी डायरेक्शन वी की डायरेक्शन मतलब इमेज की डायरेक्शन इधर आ रही है तो ऑब्वियसली वी पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव डिस्टेंस लेकिन अगर हमारे कहीं v इधर कहीं इमेज बना रहा है तो हो जाएगी माइनस वी क्लियर है अगर हमारी हाइट ऑब्जेक्ट की या इमेज के दोनों की ऊपर इस टाइप से बन रही प्रिंसिपल एक्सिस की परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव लेकिन अगर इमेज नीचे होगी तो नेगेटिव हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा एच वन भी ऑलवेज पॉजिटिव ये तो है ये सबके लिए ही है केस ये तो दोनों के लिए मस्ट है एक सेकेंड थिंग एक और चीज़ है इसकी फोकस यहाँ पर होती है तो इसकी फोकस कैसी होती है ऑलवेज पॉजिटिव और इसकी फोकस ऑलवेज नेगेटिव बचा क्या अब आपको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची है वो ये है कि आपको वी की वैल्यू का पता लगाना है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है बाकी बहुत अच्छे से आपको ये चीज पता चल गई है अगर आपको इतना भी पता है और वो मोस्टली ऑब्जेक्ट नहीं पूछता है वो वी ही पूछता है नेचर ऑफ इमेज ही पूछेगा तो ये तो अपने आप ही सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगी क्लियर अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेंस फार्मूला अब हम पढ़ते हैं लेंस फार्मूला अब इससे रिलेटेड जो भी हमने वहां पे पढ़ा था लाइक like जो भी हमने मिरर uh, में पढ़ा था वही सेम हमें लेंस फॉर्मूला में पढ़ना है मिरर में पढ़ा था हमने क्या अगर आपको याद हो वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू ये क्या था मिरर फार्मूला ठीक है ये क्या था मिरर फॉर्मूला और लेंस फार्मूला में बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाएगा ये कहता है लेंस फॉर्मूला कि वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ये होता है लेंस फॉर्मूला बाकी सब आपको साइन कन्वेंशन उसी तरीके से याद रखनी है जो मिरर में है वही लेंस में है कोई डिफरेंट कोई चेंज नहीं है क्लियर है अब हम स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन जो इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ और डिस्टेंस के बीच में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो भी रिलेशनशिप बताता है उसी को हम क्या कहते हैं लेंस फॉर्मूला कहते हैं तो इस लेंस को हम इस तरीके से लिखते हैं कि वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू वेयर एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ एंड यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड लास्ट वी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ठीक है अब हमारे पास कोई भी दो चीज गिवेन हो हम उससे एक चीज निकाल सकते हैं मानो हमें उसने वी और यू गिवन है तो हम एफ निकाल सकते हैं अगर हमें एफ गिवन है वी गिवन है यू निकाल सकते हैं कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है अब आप ये बोलेंगे कि जब हम रे डायग्राम्स पढ़ चुके थे जब हम रे डायग्राम्स पढ़ चुके थे लेंस फॉर्मूला में सॉरी लेंस लेंस के केसेस में स्फेरिकल लेंस में तो हमें ये निकालने के हो सकते वो तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन थी और ये जो हम अब लेंस के थ्रू निकालेंगे ये हम उसकी रियल पोजिशन निकालेंगे वो तो हमारे सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी इमेजनरी था कि हाँ हम अगर यहाँ ऐसे भेज रहे हैं तो ऐसे ही मिल रही है ऐसे भेज रहे हैं बट अब ये होगा एक डिस्टेंस पोजिशन पर रखा होगा कि उसे पता है कि फोकस हमें ट्वेंटी सेंटीमीटर पर रखना है तो ट्वेंटी पे ही फोकस रखेंगे अब हमें नहीं पता है कि अगर फोकस ट्वेंटी सेंटीमीटर पे और ऑब्जेक्ट हमने रख दिया यहाँ पे फिफ्टी सेंटीमीटर पे तो क्या होगा अगर हम अपने रे डायग्राम के हिसाब से चलें तो ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ फोकस से पीछे हो गया ठीक है फोकस से पीछे हुआ तो इस तरीके से लेकिन हम एक्चुअल अगर वो पूछेगा कि इमेज डिस्टेंस आपकी बनी कहां है तो वो चीज को क्लियर करने के लिए हम न्यूमेरिकल का हम इस फॉर्मूले के थ्रू से प्रूफ करते हैं जो कि हमें एक्चुअल और रियल आंसर देता है क्लियर है नेक्स्ट मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज जैसे हमने मैग्निफिकेशन स्फेरिकल लेंसेज जैसे हमने स्फेरिकल के केसेस में पढ़ा था ऐसे ही सेम मैग्निफिकेशन हमें इसका पढ़ना है स्फेरिकल लेंसेज का अब नॉर्मल जो हमने उसमें पढ़ा था उसमें इन केस ऑफ मिरर अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था एम इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू और एम इज इक्वल्स टू एच टू ओवर एच वन ये पढ़ा था ठीक है अब हम देखते हैं कि लेंसेज के केस में कैसा कैसा पढ़ने को मिलता है फॉर्मूला अगर किसी ने कह दिया कि मैग्निफिकेशन का ये होता है तो यही होता है मिरर के केसेस में हमने पढ़ा था एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर हाइट ऑफ इमेज अगर हमने इसे पढ़ा है मिरर के केस में तो मैग्नीफिकेशन निकालने का तरीका यही होता है इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा सिर्फ साइन का चेंज होगा तो द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस डिपेंड करती है उसकी पोजीशन पर कितनी दूर है इमेज अब ऑब्वियसली अगर आप लेंस भी लेंगे मानो अगर आपने पतला सा लेंस लिया है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी या हम कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर रखा है अगर ऑब्जेक्ट पास में रख दिया इसके तो फोकस के जो साइज होगा इमेज का वो कितना होगा मानो उसने यहाँ पे कट किया है यहाँ पे किसी लाइन से यहाँ कट कर दिया उसने तो क्या होगा यहाँ पे मानो बड़ी आ रही है इमेज तो वो डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है प्लेस कहाँ है जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा लेंस से या जितनी पास ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ही उसके साइज को डिफाइन करेगा क्लियरली फॉर एग्जाम्पल अगर इमेज कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बना रहा है इक्वल भी बनाता है और बिगर भी बनाता है आपने बहुत सारे केसेस देखे थे कि किस केस में वो बिगर बना रहा था किस केस में वो ऑब्जेक्ट uh, से इक्वल uh, बना रहा था जो हमने टू एफ पे रखा इस टाइप से ठीक है ऐसे ही हम कॉन्केव का ले लें तो कॉनकेव में भी क्या होता है डिमिनिश बनाता है वो तो इस इसलिए तो साइज इमेज का पूरा पूरा डिपेंड करता है किस पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट द लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया ये। इमेज की होती है एच टू ओवर एच वन होती है वो दिमाग से स्लिप हो गया इसलिए जल्दी जल्दी में लिख दिया ध्यान नहीं दिया तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट

ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियर है तो इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इमेज की डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी थी तो इज इक्वल टू इमेज हो गई v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई यू अब आप बताओ कि इसमें कुछ मिसिंग लग रहा होगा आपको इसमें आपको कुछ मिसिंग लग रहा होगा कि ये क्या है कि हमने दो तो मिरर्स में आपको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा मिररर से पहुंच जाओ कंपैरिजन करेंगे तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर माइनस वी ओवर यू होता है पढ़ा था इन केस ऑफ मिरर्स लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं यहाँ पर ऐसा ही होता है यहाँ पर इसमें क्या होता है बस साइन की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है फॉर्मूला सेम है ठीक है उसमें कोई माइनस साइन नहीं होता है ठीक है तो मिरर के केसेस में माइनस साइन होगा लेकिन मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अगर हम के केस में देखें तो माइनस साइन नहीं होगा ठीक है अगर एम के पास पॉजिटिव वैल्यू है अब वहीं पे अपने वाले रूल पे चलते हैं कि अगर एम के पास पॉजिटिव वैल्यू है तो अगर आप देखो अगर एम पॉजिटिव है तो वी भी, भी पॉजिटिव होगा यू भी पॉजिटिव होगा ठीक है एक केस तो ये हो गया या हम कह सकते हैं कि v भी नेगेटिव हो गया लेकिन v u पॉजिटिव हो नहीं सकता इसका मतलब है कि v भी नेगेटिव होगा u भी नेगेटिव होगा जिस वजह से दोनों के साइन कैंसिल हो जाएंगे कहने का मतलब ये है कि m अगर पॉजिटिव होगा किसी भी केस में तो हमें इमेज मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसी मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी क्लियर है और अगर मैग्निफिकेशन के पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए अगर मैग्निफिकेशन के पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए दैट मींस वी तो हमारा साइन चेंज ही नहीं किया वी के पास पॉजिटिव साइन है you, you का तो अपना फिक्स है यू का नेगेटिव ही रहना है ठीक है तो इमेज हो जाएगी कैसी रियल एंड इनवर्टेड ये भी अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन में नेचर बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्लियर है हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में अब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेजेस भी बनाता है और रियल इमेजेस भी बनाता है तो उसका मतलब उसके लिए एम पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है क्लियर है लेकिन अगर हम देखें तो कॉन्केव लेंस तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है तो एक पॉइंट और बढ़िया है कि एम कॉन्केव लेंस के लिए ऑलवेज पॉजिटिव और अगर आपको थोड़ा सा मिरर में याद आ रहा हो तो मिरर में क्या होता था एम

ऑबजेक्ट ऑफ सेवन सेंटीमीटर हाइट इज प्लेसड एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ओकल लेंथ एट सेंटीमीटर फाइंड द पोजिशन नेचर हाइट ऑफ द इमेज सेम मिरर में भी होता है अगर वो लेंस की जगह यहाँ पे मिरर लिख देगा तो भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से तो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराने की एक बहुत अच्छा एक तरीका बताया हुआ है ठीक है सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन सामान है जो भी उसने दिया उसे इकट्ठा कर लेते हैं जो है एटलीस्ट उसे तो इकट्ठा करो क्या बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेवन सेंटीमीटर हाइट वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो सेवन सेंटीमीटर है सॉरी एच वन सेवन सेंटीमीटर क्या दे दिया उसने ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है तो वही वह एच वन अब उसने बोला है एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर अब उसने दे दिया यू साइन नहीं लगाना है साइन सबसे लास्ट में काम है जो उसने गिवे है पहले उसे हम वो लिखेंगे तो इसीलिए हम पहले बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्लियर थर्ड चीज उसने बोली फोकल लेंथ भी दे रखी है उसने एक सेंटीमीटर ठीक है अब उसने पूछ लिया पोजीशन बताओ नेचर बताओ हाइट बताओ इमेज की तो उसने हमसे इमेज की हाइट पूछी है और उसने हमसे इमेज की पोजीशन पूछी है मीन वी भी पूछा है और उसने नेचर भी पूछा है ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइन लगाना हम क्या स्टार्ट करेंगे साइन लगाना अब देखो उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेवन सेंटीमीटर हाइट कॉन्वेक्स लेंस अब एक चीज आप बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो हमेशा कैसी रहती है ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बिकॉज वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है ठीक है तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई पॉजिटिव नेक्स्ट यू हमेशा नेगेटिव रहता है अब जो पता है वो तो हमने लिख लिया थर्ड थिंग अब उसने बोला है कि फोकस अब हमने ये भी बात पीछे पढ़ी है बहुत अच्छे से कि जो फोकस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का सॉरी हाँ लेंस आएगा मिरर नहीं है कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो ऑलवेज क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो सबसे थर्ड थिंग ये भी कंप्लीट हो गया अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आपको तो कोई साइन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है भाई ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होती है पॉजिटिव होती है यू हमेशा नेगेटिव होती है अगर focal, sorry, focal अगर फोकल फोकल सॉरी लेंथ बात कॉन्वेक्स लेंस की तो पॉजिटिव होगा और अगर कॉन्केव की बात करें तो नेगेटिव होगा तो अब हम क्या करते हैं बाय लेंस फॉर्मूला अब हमें लेंस फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से आएगा कोई भी थोड़ा सा भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमने ये चीज नहीं पढ़ी है अब लेंस फॉर्मूला क्या कहता है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ अब ये हमारा लेंस फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा है जो हमने क्या किया रिसेंटली अभी पढ़ा है बस वैल्यूज पुट कर दो बोलता है कि वन अपॉन एफ कितना है हमारे पास एट इज इक्वल टू वन अपॉन वी हमें निकालना है माइनस वन अपॉन यू है हमारे पास माइनस ट्वेल्व अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं ये दोनों साइन आपस में मिलने के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम यहाँ से इसे इरेज करके यहाँ लिख देते हैं क्लियर है तो वन अपॉन एट अभी पॉजिटिव है इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस वन अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू वन अपॉन वी क्लियर अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है ट्वेंटी फोर कॉमन है तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर एट थ्री जो ट्वेंटी फोर और ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर ये आ गया मेरे पास वन अपॉन ट्वेंटी फोर और वी इज इक्वल टू वैसी करेंगे तो आ गया ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर अब उसने हमसे कह दिया कि वी आ चुका है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर और आया किस चीज का है पॉजिटिव आया है तो हमने क्या किया हमने पोजिशन तो निकाल ली इसकी अब उसने पूछा है कि नेचर बताओ तो V अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अभी जस्ट हम आपको बताकर हटे हैं कि अगर U को कितना लेंगे क्या आना चाहिए V को कितना लेंगे क्या आना चाहिए ट्वेंटी फोर प्लस का साइन हमें बताता है कि वो कहाँ है वो राइट right साइड में मतलब कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर था अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर था इसका मतलब डेफिनेटली इमेज इस साइड बनी है क्योंकि अगर इमेज इस साइड नहीं बनती तो पॉजिटिव नहीं आता वो तो इसकी हाइट क्या होगा यहाँ पर इमेज हो गई इसकी पॉज पोजिशन इसकी हो गई पोजिशन ठीक है अब उसने क्या पूछा है नेचर तो नेचर हमें पता चल गया कहाँ है राइट साइड है राइट साइड बना है और राइट right साइड में भी कहाँ बनी है रियल एंड इनवर्टेड बनी है इमेज कैसी बनी है रियल एंड इन्वर्टेड अब वो नीचे जाएगी तभी तो बनेगी कैसी बनी है नेचर आ गया रियल एंड इन्वर्टेड अब उसने जो बोला है अब आप बोलेंगे कि एक चीज बची है एक तो हाइट बताओ इमेज की पहली बात और हमें उसके लिए गिवन भी है हाइट ऑब्जेक्ट की अब ये चीज बची है और हमें इसे क्या करना है सॉल्व करना है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अब हमारे पास जो है वो क्या है कि एच वन है हमारे पास सेवन सेंटीमीटर अब फिर से हम दो गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं यू है हमारे पास माइनस का ट्वेल्व सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ का तो कुछ करना ही नहीं है और वी है हमारे पास ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर प्लस को ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर अब उसने पूछना है हाइट ऑफ द इमेज अब बस हमें ये निकालनी है तो हम स्टार्ट करते हैं दो तरीके से भी करने के तो इसके लिए भी बोर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं क्लियर एक तो हमारे पास मैग्निफिकेशन है क्या होता है वी ओवर यू ये लेंस है तो साइन मत लगाना प्लीज तो हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं पहले हमें वी भी गिवन है और यू भी गिवन है तो क्या हो जाएगा वी कितना है ट्वेंटी फोर और यू कितना है माइनस ट्वेल्व ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर एम आ गया हमारे पास माइनस टू और एम नेगेटिव कब होगा कॉन्वेक्स है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा ही होगा क्योंकि कॉन्केव में क्या होता है कॉन्केव में ऑब्वियस ऑलवेज पॉजिटिव अब हमारे पास हाइट निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है एच टू ओवर एच वन जहाँ पर एच टू इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड एच वन इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हम करेंगे एम हमारे पास है अब मैग्निफिकेशन तो इमेज का निकला है ना ये ठीक है तो एच टू हो गया हमारे पास एच टू निकालना है और एच वन हो गया हमारे पास सेवन और एच टू हो गया हमारे पास माइनस का फोर्टीन इसका मतलब क्या हुआ कि वो नीचे आ गई अब यहाँ पर जो आपको नेगेटिव दिख रहा है इस नेगेटिव का आपने मतलब बता दिया कि जरूर जरूर किस चीज में है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकिन हमें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो यहाँ से पता चल गया था कैसी है वो इन्वर्टेड तो मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लियर है आपको सारे आंसर्स अपने सब इसी में मिल जाएंगे ठीक है एक तरीका और होता है कि हमें पता है वी नो दैट जो मैंने आपको मिरर फॉर्मूला में बताया था कि एम इज इक्वल टू वी ओवर यू इक्वेशन फर्स्ट एंड एम इज इक्वल टू एच टू ओवर एच वन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड We can write it as आपको ये अलग अलग मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी आपको डायरेक्ट कर सकते हैं कि वी गिवेन है ट्वेंटी फोर यू गिवेन है माइनस ट्वेल्व एच टू हमें सॉल्व करनी है और एच वन कितनी है सेवन करो सॉल्व ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर ट्वेल्व इन जो ट्वेल्व और एच टू इज इक्वल्स टू माइनस फोर्टीन ये आपको टाइम बचाएगी और ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है इसमें आपका टाइम लगेगा तो कोई ऐसी चीज हो कि आपको इसमें समझ ना आया हो तो प्लीज बताना इसमें कुछ एक्स्ट्रा था नहीं सब आपका बिल्कुल रिलेवेंट मेटेरियल था हर चीज एक मैंने आपको इसीलिए क्वेश्चन में हर चीज बता दी है वी निकालना भी यू निकालना भी मैग्निफिकेशन भी और इमेज भी क्लियर अब हम इसीलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स का कर लिया है तो भाई कॉनकेव बुरा मान जाएगा कि नहीं किया चलो उनका भी कर लेते हैं कॉल बेस्ड ऑन फॉर्मूला सब बिल्कुल सेम है अगर उसके लिए लेंस का इसके लिए भी ये होता है मैग्निफिकेशन अगर उसके लिए इतना है तो इसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ एकदम एग्जैक्ट है तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फिफ्टी सेंटीमीटर फ्रॉम आस प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज अब वो ना भी कहे कि ये कॉन्केव है तो हम धीरे-धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे कि हाँ ये कॉन्केव ही है सिर्फ अभी फिलहाल जो वो कह रहा है वो करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड अब देखो यहाँ पर वैसे आपको गिवन होगा कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है क्लियर है तो शायद यहां पे मिस हो गया होगा टाइपिंग में तो वन ऑब्जेक्ट इज प्लेसड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस क्योंकि फिर आप फोकस की लेंथ भी निकाल पाओगे ना या फिर किसी भी चीज की मान डिस्टेंस दे रखी है इमेज की तो आप इसे निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी क्लियर तो अब ये कहता है कि जो भी स, अब जो भी चीजें हैं अब उन्हें सबको क्या कर लेता है इकट्ठा कर लेता है तो u इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पहले हमें नहीं लिखना है जो भी गिवेन है सबसे पहले हम उस चीज को लिखेंगे हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना कि आप सिर्फ एक चीज बताओगे कि हाँ इतना है या फिर हम डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव लगा दें नहीं जो गिवेन है सिर्फ वही लिखेंगे उसके बाद उसने बोल दिया कि इमेज कितनी डिस्टेंस पर है इमेज है टेन सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अब उसने पूछा फोकल लेंथ फोकल लेंथ एफ पूछ लिया और उसने पूछा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड एम पूछ लिया क्लियर है अब देखो अगर ये ना भी दे कॉन्केव लेंस तो हम कैसे करेंगे वैसे वो आपको 90% तो देगा 99% देगा एक परसेंट चांसेज है कि ना दे ठीक है तो सबसे पहली बात है हमें क्या निकालना है फोकल और मैग्निफिकेशन साइन लगा लेते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा सेवन माइनस का होता है उसने बोला है प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस अब अगर कॉन्केव ना गिविन है उसने बोल दिया फ्रंट ऑफ द लेंस तो लेंस के आगे बना रहे हैं ना ये कॉन्केव है तो इसने फ्रंट में बोला है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वो वर्चुअल इमेज भी कहीं यहीं बना रहा है फ्रंट पे बना रहा है और उससे पहले बना रहा है टेन सेंटीमीटर पे क्लियर है तो फ्रंट पे बनाएगा तो ये भी नेगेटिव हो गया क्योंकि इमेज डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट क्लियर अब हम फोकस निकाल लेते हैं इसके लिए अगर वी और यू होता है तो इसके लिए भी होगा फॉर्मूला भी लेंस का सेम ही होगा तो हम इसे सॉल्व करते हैं बाई डिवाइडिंग इट इंटू टू पार्ट्स तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी कितना दे रखा है माइनस टेन माइनस वन अपॉन माइनस फिफ्टी तो हमसे सॉल्व करते हैं ये साइन यहाँ का प्लस हो जाएगा ठीक है तो इन दोनों के लिए भी क्या हो जाएगा फिफ्टी माइनस फाइव प्लस वन तो हो गया फोर ओवर फिफ्टी अब आप ये बोलेंगे कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे कर दिया अगर आप कहूं तो हम छोटे बच्चे की तरह भी करा सकते हैं बट यू आर इन टेंथ स्टैंडर्ड आप भी समझ गए होंगे कि इस तरीके से आए ये माइनस का साइन ऊपर गया तो हमने एलसीएम लिया टेन और फिफ्टी का फिफ्टी आया कि चलो एलसीएम ले भी लेके दिखा देते हैं आपको टेन वन जो टेन टेन फाइव जो फिफ्टी फाइव वन जो फाइव तो टेन और फाइव का कितना हो गया एलसीएम हो गया सफ्टी हमारे पास तो ये टेन से कितने टाइम्स जा रहा है फाइव टाइम्स और फिफ्टी फिफ्टी से कितने टाइम्स जा रहे है? वन, तो प्लस वन फोर। और यहाँ पे साइन की सीच का जाएगा माइनस का ये हमारी वैल्यू आई है 1 की तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये ये और यहां हो गया ओवर तो हम क्या करेंगे ये आई है हमारी तो एफ इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब आप कहेंगे कि मैम क्या क्या फोकल लेंथ पॉइंट में आ सकती है तो माई आंसर इज येस फोकल लेंथ भी पॉइंट में हो सकती है बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉइंट uh, में आ सकती है और हाइट भी कुछ भी तो इसमें ऐसा पॉइंट का कोई सीन नहीं है कि बहुत से बच्चे कहेंगे ओ कि पॉइंट में आ गया आंसर अब ये जो फोकल लेंथ नेगेटिव है ना यही हमें बता रही है कि कौनकेव लेंथ है यही क्वेश्चन तो हमारा यही खत्म हो जाता है वो कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में ही ऐसा हिंट दे देगा जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि ये लेंस कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है वैसे तो वो दे गई पर अगर नहीं दिया तो फ्रंट में बोल दे तो ऑब्वियसली फ्रंट में क्या होगा नेगेटिव होगा क्लियर अब लास्ट चीज जो उसने पूछी है वो ये है कि वो जानना चाहता है हमसे मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन जानने के लिए फॉर्मूला हमें पता है इस बार उसने हाइट नहीं दी है और उसने बिना हाइट के बोल दिया कि मैग्निफिकेशन निकालो अब तो और भी आसान कर दिया तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू वी कितना आया है हमारे पास जो तुम चाहे पहले भी निकाल लेते माइनस टेन ये है हमारे पास माइनस टेन और यू है हमारे पास फिफ्टी माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल टेन फाइव जा फिफ्टी तो ये आ गई हमारे पास वन अपॉन फाइव जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो फाइव टू जा टेन ये आ जाएगी हमारे पास जीरो पॉइंट टू इसकी कोई यूनिट होती नहीं है अब आप कहेंगे जीरो पॉइंट टू कैसे 5 बाहर, 1 अंदर, लगाया, 0, 5 10. अब, है में ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें भी सेम यही था और हमने ये वाला क्वेश्चन किया इसमें भी सेम यही है तो ऑब्जेक्ट क्या है छोटा है मैग्निफिकेशन क्या बोल रही हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है डिमिनिश्ड है और क्या होता है कि कॉनकेव का तो ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड होता ही है छोटा आता ही है क्लियर आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी लेंस के न्यूमेरिकल कैसे करना है कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल कैसे करना है और साइन uh, कैसे निकालना है साइन कन्वेंशन क्या है कैसे है ठीक है और दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लाइट जो कि हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं और आई थिंक ये ट्वेल्थ या थर्टीनथ लेक्चर है मेरा मैंने हर छोटी से छोटी चीज़ पर छोटे से छोटे टॉपिक पर आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया है और कोई टॉपिक ऐसा नहीं है इधर वो एग्ज़ाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है मैंने फिर भी उस चीज़ को कराया है। वैसे तो भाई वही चीज़ें पढ़ाई हैं और बहुत इतनी ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया है कि आपको कोई भी चीज़ रटोगे नहीं हमेशा अगर वो समझ में आ गई है तो आपसे वो कभी तो भी पूछे तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में रिविजन की ही जरूरत है सिर्फ एक रिविजन किया और हमें सब कुछ याद आ गया वापस एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ठीक है तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस द पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस अब एक बात अब लेंस की भी कोई खुद की एक पावर होती है ठीक है लेंस की भी क्या होती है खुद की पावर होती है कि अब हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कन्वर्ज करता है क्या करता है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं ठीक है ठीके? कौन लेंस क्या करता है डाइवर्ज करता है और इसे हम क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस करता हैं तो कौन कितना कन्वर्ज कर सकता है कौन कितना डाइवर्ज कर सकता है उस चीज को देखने के लिए हम लेंस की पावर का पता लगाते हैं ठीक है ठीके? कि लेंस की कितनी पावर है पावर मतलब उसकी कितनी एबिलिटी है पावर का मतलब क्या है एबिलिटी वो कितना कन्वर्ज कर सकता है मानो उसने यहाँ से यहाँ जाके कन्वर्ज किया क्लियर एक एग्जाम्पल है ये ठीक है और इसने यहाँ जाकर डाइवर्ज किया तो हमें पावर ऑफ लेंस का मतलब ये है कि ये कितना और कन्वर्ज कर सकता है कितना ये और पहले कन्वर्ज कर सकता है ये और इसकी कितनी पावर है कितनी दूर की चीज़ को वो कन्वर्ज किस पोजिशन पर जाकर कर सकता है और ये कितना और ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है मतलब उसकी कैपेसिटी उसकी एबिलिटी ज़रूरी नहीं है ज़्यादा में ही हो वो कम में भी हो सकता है कि कितना कम डाइवर्ज कर सकता है वो तो हम क्या देख रहे हैं उसकी एबिलिटी देख रहे हैं ठीक है तो लेकिन अब ये कहोगे कि ये पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है ऑब्वियसली सबकी जो लेंस की पावर है वो भी उसके फोकस के हाथ में है और जो मिरर की पावर है वो भी फोकस के हाथ में होती है क्योंकि फोकस हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि इसके आसपास होगा जो भी होगा क्लियर है तो इसके लेंस की जो पावर है डिपेंड किस पे करेगी फोकल लेंथ पे तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइन एज रेसिप्रोकल कुछ नहीं है पावर ऑफ लेंस क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ लेकिन इन मीटर फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए अगर देखो हमारे पास यहाँ पर फोकल लेंथ ट्वेल्व पॉइंट फाइव आई थी ठीक है हमारे पास क्या थी? Focal length आई थी फोकल लेंथ आई थी माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आई थी लेकिन ये कहना चाह रहा है कि मुझे सेंटीमीटर नहीं चाहिए मुझे चाहिए मीटर तो पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो मतलब इसका कहने का मतलब उसे मीटर में चाहिए अगर आपके पास सेंटीमीटर में है तो आप सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू हंड्रेड ओवर F अगर F आपका सेंटीमीटर में तो आप डायरेक्ट उसे हंड्रेड से यहाँ पर डिवाइड करा सकते हैं ठीक है एक ही बात है तो अब तो कोई भी फॉर्मूला है तो मतलब क्या है इसकी फोकस पर अब हमें दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर फोकस लेंथ या फोकल लेंथ अगर किसी भी लेंस की ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसकी पावर उतनी ही कम हो जाएगी जितनी दूर फोकस होगा उसका उतनी ही कम उसकी पावर रह जाएगी मतलब वो उतना ही कम कन्वर्ट होगा बहुत स्लो लेकिन अगर फोकस लेंथ फोकल लेंथ बहुत कम है मतलब कम ये नहीं कि बिल्कुल जीरो है जीरो तो नहीं होगी फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर बहुत कम है तो उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी मतलब जितना लेंस हमारा पतला होगा उसका तो लेंथ भी डिपेंड करती है लेंस पर जितना पतला हमारा लेंस होगा उतनी ही उसकी कितनी होगी उसकी पावर उतनी ही एक्स्ट्रा होगी क्लियर है तो क्या होती है इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है लेकिन आप इस चीज को अगर ना ही याद रखें तो अच्छा है ये याद रखेंगे दो दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है इट इज नॉट वेलेड फॉर जो भी है इसे याद करो आप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इजी दैट यू हैव पुट इट एनी वेयर ठीक है आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं आप बाद में दो दो करोगे नहीं बस इसे याद रखो कि आपको पोकल लेंथ मीटर में चाहिए ठीक है अब सेकेंड थिंग अब इसकी अगर ये मीटर में है तो हम अगर इसके हिसाब से चलें तो वन अपॉन मीटर चलो इसे बाद में देखते हैं पहले हम देखते हैं कि पावर की यूनिट क्या होती है पावर की यूनिट होती है डायप्टर और डायप्टर को हम डिनोट करते हैं डी से डी फॉर डॉग नहीं डायप्टर ठीक है द यूनिट ऑफ अ पावर लेंस इज डायप्टर अभी अभी बताया जिसे हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर डी ओके अब हम बात करेंगे अगर वो पूछे कि वन डाइप्टर क्या होता है अब देखो अगर आप पावर है हमारे पास वन अपॉन एफ इन मीटर अगर हम एफ को वन मीटर रख लें ठीक है अगर हमने एफ को वन रखा वन मीटर रख लिया तो वन ओवर वन तो पी की वैल्यू कितनी आ गई वन डायप्टर खत्म बात डेफिनेशन ऐसे ही निकालनी है अगर आपको जैसे आपके टेंथ क्लास है बहुत सारी चीज़ें पूछेगा आगे चल के हम चैप्टर्स पढ़ेंगे इसमें पूछता है कि वन जूल की डेफिनेशन बताओ वन एनर्जी की डेफिनेशन वो वन किलो कैलोरी की डेफिनेशन बताओ कुछ भी चीजें वो आपसे पूछता है वन किलो वर्ट आर की डेफिनेशन बताओ तो हम हमेशा जो भी उसका फॉर्मूला है उसमें हर वैल्यू की जगह वन वन पुट कर देंगे और वहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आती है क्लियर मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में जो अगले चैप्टर्स होंगे उसमें भी इस बारे में कंप्लीट अच्छे से समझा दूंगी क्लियर तो यहाँ पे क्या है कि P इज इक्वल्स टू वन डी तो वन डी कब आया तो वन डायप्टर ऑफ इज द पावर ऑफ लेंस द द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज देंथ मीटर अगर फोकल लेंथ मीटर है तो पावर अपने आप ही आ जाएगी अब हमें ये बात ये दोबारा दोबारा कहकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है तो पावर भी पॉजिटिव तो होगी कॉनकेव लेंस की नेगेटिव फोकल लेंथ होती है तो पावर भी नेगेटिव होगी अब ठीक अगर कोई मोटा सा फोकल लेंथ है अगर कोई मोटा सा फोकल लेंथ सॉरी मोटा सा अगर लेंस है थिक लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी क्या होगी शॉर्ट होगी अब शॉर्ट होगी तो क्या होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी तो मतलब जो जितना आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं अगर आप फोकल लेंथ भी कम करना चाहें अभी सर के जो जितना मोटा है उसके पास उतनी ही पावर है अगर ये लेंस मोटा है तो उसके पास पावर ज़्यादा मिलेगी और अगर पावर ज़्यादा मिलेगी तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगी कम ये पतला सा है इसकी तो कोई है ही नहीं उसके पास क्या है पावर है ही नहीं पतला सा वैसे है, ये। तो पावर नहीं मिलेगी। पास नहीं है। कुछ भी इसे मार पीट के वो चला जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो पतला सा है तो इसकी क्या होगी पावर कम होगी पावर कम होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी ठीक है तो पावर का टॉपिक भी खत्म हुआ अब इस पे बेसिस हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि आप क्लियर कर सकें ठीक है प पर्सन हैविंग अई यूज अव लेंस ऑफ फोकल फिफ्टी सेंटीमीटर फाइन द पावर ऑफ लेंस अब एक बात आओ मायोपिक इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात बताई थी कि मायोपिया में क्या होता है कि इंसान को दूर का नहीं दिखाई देता है और उसकी जो इमेज है वो पहले बन जाती है रेटिना से मानो ये रेटिना है और ये आपकी आई है ठीक है तो उसकी इमेज पहले बन गई लेकिन जैसे ही हमने क्या लगाया हमने कन्वर्जिंग लेंस लेंस लगा दिया तो उसने क्या कहा जो भी लाइट आ रही थी तो पहले वो ऐसे कन्वर्ज हो रही थी अब वो थोड़ी और दूर हो गई अब और दूर होने के बाद क्या हुआ अब वो आराम से धीरे से अब आपकी आई अगर यहाँ पे थी तो वो यहीं पर रेटिना पर आकर मिल गई तो उसे हम बोलते हैं मायोपिया हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस अब शॉर्ट साइटेडनेस से आप ये मत सोच समझ जाना कि दिक्कतों से दूर का नहीं है ना साफ और बोल रहे हैं शॉर्ट सर्टिडनेस का मतलब है पहले उसकी इमेज बन गई शॉर्ट पे ही उसकी इमेज बन गई है क्लियर है तो फोकल लेंथ कितनी है उसकी फिफ्टी सेंटीमीटर तो पावर इससे आपको कोई भी इतना जो दे रखा है ना ये बकवास दिया है बिल्कुल बिल्कुल बकवास दिया आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इसका कोई यूज नहीं है बस एफ दे दिया उसने कितना फिफ्टी सेंटीमीटर और उसने पूछ ली हमसे पावर बस कितना ये चीज याद रख ये चीज समझने की है कि हम क्या करने जा रहे हैं कि कॉन्केव लेंस है ये ठीक है तो कॉन्केव लेंस के लिए क्या हो जाएगी ये फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी अभी हमने बात करी है जस्ट अभी हमने पढ़ा है तो हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं जल्दी जल्दी ये हो जाएगा फिफ्टी ओवर हंड्रेड मीटर ठीक है अब ये भी क्या कि वन सेंटीमीटर वन मीटर इज इक्वल्स टू हंड्रेड सेंटीमीटर और अगर हमें वन वन सेंटीमीटर निकालना हो तो ये इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में नहीं यार बच्चे नहीं हो आप यू आर इन टेंथ स्टैंडर्ड तो फिर भी वन अपॉन टू क्लियर तो फोकल लेंथ आ गई वन अपॉन टू तो पावर क्या होता है वन अपॉन एफ और शर्त है इसकी कि भाई मीटर में होना चाहिए ठीक है हमने मीटर में निकाल लिया तो वन अपॉन वन अपॉइंट टू ये चला जाएगा ऊपर तो पावर हो गई सॉरी गया माइनस में माइनस में माइनस में यहाँ नहीं है माइनस यहाँ भी माइनस में तो कितना हो गया टू कितनी टू और माइनस की और डायप्टर डी आप चाहते तो इसको यहां से कन्वर्ट करके जीरो पॉइंट फाइव कर लो फिर उसके बाद वन अपॉन जीरो पॉइंट फाइव कर लो फाइव से इसको काट दो ये टू आएगा आंसर वही वो आपका पैटर्न हो सकता है कुछ भी क्या बोला उसने माइनस का टू डी माइनस का पावर होते क्या बोलना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि मैं एक कॉन्केव लेंस हूँ आई एम कॉनकेव लेंस मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा है ठीक है सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू ऑल ऑफ यू अब जितना भी है अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ है अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड नेक्स्ट क्लास से तो देखना जरूर और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको कैसी लगी लेक्चर कैसा लगा हमारा एक कंप्लीट चैप्टर हो चुका है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और बिलीव मी इसने आपको मीन्स टू से पाँच से सात नंबर से तक आपको पूरा कवर हो गया है अब जितने भी मार्क्स की आपकी साइंस आती है उसमें आप सेवन मार्क्स कन्वर्ट कर पूरे कवर कर चुके हो फिजिक्स के क्लियर है और कुछ भी रटवाना नहीं है कुछ भी नहीं है हमने हर चीज को प्रैक्टिकली एक तरीके से प्रैक्टिकली तो हम फिलहाल नहीं कर सकते बट हमने हर चीज को बिल्कुल डीपली समझाए क्लियर तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट uh, बॉक्स में कमेंट करना और रेगुलर वीडियोज के लिए प्रेस द बेलाइकन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू सो मच